सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपने ट्विटर पर फिल्म हाईवे की अपनी कोस्टार आलिया भट्ट की तारीफ की थी। इस ट्वीट में उन्होंने बिना किसी एक्ट्रेस का नाम लिए कंगना रनौत को कामचलाऊ एक्ट्रेस और पीड़िता बताया। इस ट्वीट के बाद कंगना रनौत की बहन रंगोली ने रणदीप हुड्डा की जमकर क्लास लगाई। लेकिन ये पूरा मामला इतने पर ही नहीं रुका। रंगोली ने ट्वीट करते हुए आलिया भट्ट की मां सोनी राजस्थान और महेश भट्ट पर भी निशाना साधा है। रंगोली ने ट्वीट में महेश भट्ट पर कंगना रनौत को चप्पल फेंक कर मारने का आरोप भी लगाया। रंगोली ने सोनी राजस्थान की एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि महेश भट्ट ने कंगना रनौत को ब्रेक दिया था और आज वो उनकी बेटी के बारे में इस प्रकार बातें करती है। महेश भट्ट ने उसे ब्रेक दिया था, वो लगातार बेटी और पत्नी पर रोज अटैक करती रहती है। अब इतनी नफरत भरी बातों के बाद क्या बाकी रह गया, इसके पीछे क्या एजेंडा है? हालांकि इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया। सोनी राजस्थान के इस ट्वीट का जवाब देते हुए रंगोली ने महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, दिया सोनी जी, महेश भट्ट ने कंगना को कभी ब्रेक नहीं दिया बल्कि अनुराग बसु ने दिया था। महेश भट्ट जी सिर्फ क्रिएटिव डायरेक्टर थे, वो भी अपने भाई के प्रोडक्शन हाउस में, वो उनका अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं था। रंगोली ने आगे लिखा, फिल्म वो लम्हे के बाद कंगना ने उनके साथ फिल्म धोखा में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें कंगना को एक सुसाइड बॉम्बर का किरदार निभाना था। उन्होंने अपने ऑफिस में कंगना पर खूब चिल्लाया, इस बात से वो बहुत दुखी हुई थी। लेकिन बाद में वो फिल्म वो लम्हे के प्रीव्यू के लिए गई थी और उन्होंने उस पर चप्पल फेंक कर मारी थी। उसे उसकी खुद की ही फिल्म नहीं देखने दी थी, वो पूरी रात रोती रही थी। उस समय वो सिर्फ 19 साल की थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।